मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इससे बड़ा कोई भी संदेश नहीं हो सकता है। भगवान शिव निरंतर जिनके सुमिरण में हर समय निरत रहते हैं, पूरा निरंतर निरत रहते हैं भगवान शिव। जो हम सब भगवान शिव के उसी मार्ग का अनुसरण करें तो हमें जो भगवान शिव जो सबको शिव कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, हम सब के अंदर में ये शक्ति आ जाएगी एक दूसरे के अंदर में कल्याण करने की। भगवान शिव का, भगवान श्री राम का जो निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उसका हम और आप सब लोग भगवान श्री राम का चिंतन करें और कीर्तन करें, और भगवान शिव के नाम पर कीर्तन करें भगवान श्री राम का, क्योंकि भगवान शिव निरंतर भगवान श्री राम का ही चिंतन करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की, नरैया की जय। जय जय सीताराम। महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों को लगभग 2 साल के बाद में आज प्रभु के पूर्व व्यवस्था के अनुसार दर्शन हो रहे हैं। 2 साल से घर में रुके हुए श्रद्धालु भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज के दर्शन महाशिवरात्रि पर्व पर ठीक ढंग से कर नहीं पाए थे, लेकिन इस बार महादेव की कृपा हुई है। और महाशिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है, मतलब इसका नाम सुनते से ही भक्तों के हृदय में रोमांच की लहरें उमड़ पड़ती है। मतलब महाशिवरात्रि भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता श्री पार्वती जी के विवाह का दिन, इस आयोजन को अति महोत्सव के रूप में मनाने के लिए ओंकारेश्वर में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। और माता श्री नर्मदा मैया जी समीप ही होने के कारण वहाँ पे स्नान करके एक लोटा जल भर करके और बेलपत्र फूल लेकर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को अर्पण कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका, पुराणों में क्या महत्व है इसका? भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज का वर्णन ऐसे तो मेरे लिए साधारण व्यक्ति के लिए करना असंभव है, लेकिन जो लिखा हुआ है पुराणों में, शास्त्रों में, उसके अनुसार राजा मानधाता श्री रामचंद्र जी की भी कई पीढ़ी ऊपर हुए हैं, उनकी तपस्या से भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न हुए। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये जो मंदिर है ये पूरा ओम आकार के पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ओम आकार का पर्वत जो माता श्री नर्मदा मैया जी के जल से चारों तरफ घिरा हुआ है, इस ओम आकार के पर्वत के ऊपर राजा मानधाता ने तपस्या करी थी और भगवान श्री महादेव जी को प्रसन्न किया था। भगवान श्री महादेव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे थे। पहला, आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू स्थापित होइए माता श्री पार्वती जी के साथ में निराकार स्वरूप में, और दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम भी चलता रहे। तो भगवान श्री महादेव जी तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उनकी दोनों मनोकामनाएं, दोनों वरदान उनके पूरे किए, ज्योतिर्लिंग के रूप में निराकार स्वरूप में यहाँ पर स्थापित भी हुए, और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस गाँव का नाम मानधाता ही है, विधानसभा मानधाता, पुलिस थाना मानधाता। ओम आकार का पर्वत होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा, और इसीलिए बोलचाल की भाषा में गांव के नाम को भी ओंकारेश्वर बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप किसी भी मंत्र का जाप करें सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण होता है। इस ओम शब्द का सबसे पहले नाद श्री ब्रह्मा जी द्वारा ओंकारेश्वर में ही किया गया था, इस पर्वत के ऊपर।